जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी साहब भी हैं। हुसैनी साहब, दिल्ली में हिंसा के लिए आपके मुताबिक जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, और साथ ही इस हिंसा के बाद आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? जब हिंसा शुरू हुई तो उसके फौरी बाद कई काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहिए थे। जो लोग ओपनली बिल्कुल पब्लिकली लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन आज कई दिन हो गए, आज हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हाई कोर्ट को नाम लेके ऑर्डर देना पड़ा। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड वाकया है, किस तरह नाम लेकर हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है। तो हेट स्पीचेस को हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया है, और जो बाहर से बड़े पैमाने पे लोग हथियार लेके आए उनको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट नाकाम रही है। जाहिर है कि यह बिल्कुल गवर्नमेंट के इतला के बग़ैर तो लोग नहीं आ सकते। इतने बड़ी तादाद में फायर आर्म्स लेके आसपास से लोग दाखिल नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट को इसको यकीनन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन होम मिनिस्ट्री कई फ्रंट्स पर टोटल फेल हो चुकी है, और वही इस हिंसा के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है।